नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है, नवरात्रि और दीपावली का जो तोहफा है वो आंगनबाड़ी बहनों का आना शुरू हो गया है। तो हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना जागरूक और निगरानी अभियान तथा घर घर जाकर राशन वितरण जैसी गतिविधियों में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक जो है कि कदम उठाया गया है। आंगनबाड़ी बहनों को 50-50 लाख रुपया जो है कि बीमा कवर जो है कि दिया जाएगा। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकार ने बकाया मानदेय भुगतान कर दिया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में 22,000 रुपये पहुँचाए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है। पिछले 4 महीने से इन्हें केंद्र द्वारा दिए जा रहे अंश यानी 4500 रुपये ही दिए जा रहे थे। बाकी जो वो इनका मानदेय था उसको रोका गया था केंद्र सरकार वाला, उसको भी अब जो है कि दिया जाना शुरू हो गया है। तो आप लोग अपने अकाउंट जो है कि चेक कर सकती हैं। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष मंजूरानी सिन्नौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्यक्तिगत की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। आंगनबाड़ी को 4,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी की सीमा से कहीं कम है। ऐसे में उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़कर 18,000 रुपये किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार ने इसे नहीं किया। महज 8,000 या 9,000 रुपये के मानदेय का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी गजट जारी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है कि 18,000 रुपये तक का आंगनबाड़ी बहनों को उम्मीद थी, लेकिन इसको नहीं किया गया। अब मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा 8 से 9,000 रुपये ही किया गया है, लेकिन अभी तक इसका जो है कि गजट जारी नहीं हुआ है। तो ये थे आज के जो है कि खबर जो कि हम आपको बता दिए हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।